दोस्तों, अगर आप भी उमेश यादव को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में उमेश यादव ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा दिए। मोहम्मद शमी की जगह टीम में खेल रहे उमेश यादव का तूफान तो ऐसा रहा कि इंग्लिश गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए, जिसके बाद भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करते हुए देखा जा सकता है। चलिए बताते हैं आपको उमेश यादव की धाकड़ गेंदबाजी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि उमेश यादव और मोहम्मद सिराज में कौन है बेहतरीन तेज गेंदबाज, इस का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला तो ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए थे, जिसमें विराट कोहली और शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतकीय पारी खेली और उसके बाद सारा दारोमदार गेंदबाज के ऊपर आ गया, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी के चलते वापसी कर सकती थी। और जसप्रीत बुमराह ने टीम के कप्तान विराट कोहली की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतर के दिखाया। जसप्रीत बुमराह ने अपने चौथे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज रोरी बंस और हसीब हमीद को एक ही ओवर में चलता करके इंग्लैंड की टीम को दो शुरुआती झटके दे दिए। उसके बाद कप्तान जो रूट और डेविड मलान के बीच में साझेदारी पनप रही थी कि खेल खत्म होने तक उमेश यादव ने जो रूट का बड़ा विकेट दिलाकर भारतीय टीम की उम्मीदें इस मुकाबले में पूरी तरह से जिंदा कर दी। उमेश यादव का कहर तो इंग्लिश गेंदबाजों के ऊपर जमकर टूटा। उन्होंने पहले कैरी ओवरटन को सिर्फ एक रन के स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, और इस विकेट के बाद उमेश यादव का कॉन्फिडेंस उनके सर चढ़कर बोल रहा था। इंग्लिश बल्लेबाज पूरी तरह से उमेश यादव के सामने लाचार नजर आ रहे थे, जिसका सबूत उन्होंने पारी के 25वें ओवर में दे दिया। सेट बल्लेबाज डेविड मलान को उमेश यादव ने सिर्फ 31 के स्कोर पर ही आउट कर दिया, वो भी रोहित शर्मा के हाथों कैच करवाकर, और सिर्फ 62 के स्कोर पर ही इंग्लैंड की टीम को पांचवा झटका दे दिया। और उसके बाद तो उमेश यादव का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि कोई भी बल्लेबाज उनके सामने बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उमेश यादव की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं रुक पा रहा था। बल्लेबाजों को रुकना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उमेश यादव ने 3 विकेट लेकर तो कीर्तिमान रच ही दिया था। और जिस तरह से उमेश यादव ने भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई थी, ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम पहले सत्र तक इंग्लैंड के 7 से 8 विकेट आसानी से गिरा लेगी, और उसके बाद जब भारतीय टीम इंग्लैंड को ऑल आउट करेगी तो भारत को कम से कम 50 रनों की बढ़त तो मिल ही सकती है, और इसके बाद की पिच भारतीय टीम के लिए काफी मददगार होने वाली है। वैसे दोस्तों, आप सभी उमेश यादव की इस धाकड़ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।